जिले की तीनों नदियां खतरे के निशान बिंदु से निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं और अब बाढ़ की स्थिति में पूरी नियंत्रण नजर आ रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती और घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। बाढ़ लगभग समाप्त हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित गांव में जहां बाढ़ का पानी आने से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, उस जल जमाव को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा पंप लगाए गए हैं। करीब 2 से 3 दिनों में स्थितियां ठीक होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिन गाँव में बाढ़ आई थी वहां पर बाढ़ राहत किट का वितरण किया जा चुका है और जिनका मकान क्षति हुआ है उनके खाते में मुआवजा राशि डाला जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में राप्ती और घाघरा दोनों ही खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बाढ़ लगभग समाप्त हो गई है, परंतु जो पानी पहले आया था राप्ती और घाघरा में, वो पानी की वजह से जगह जगह जल जमाव है और उसको वो पानी धीरे धीरे निकल रहा है और कहीं कहीं ऐसा है जहां जल जमाव को दूर करने के लिए नगर निगम में पंप लगाए गए हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन में सभी जगह से स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। सर, जहाँ प्रभावित गांव में किस तरह की व्यवस्था की हम मंत्री भाग रहे हैं? गांव में जहाँ पर भी बाढ़ आई थी वहाँ राशन का वितरण कर दिया गया है। जहाँ पे किसी प्रकार के मकान की या अन्य क्षति हुई थी उनको उनका आकलन कर लिया गया है और उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है।